चाद फरमाने लगे, देखा कि आज अब्दुल्ला बिन अमर नहीं लिख रहे। कहा, इब्ने उमर आज तुम क्यों नहीं लिख रहे? अर्ज की, मुझे सहाबा ने कहा है कि हुजूर कभी गुस्से में होते हैं, कभी हुजूर मजाक फरमा रहे होते हैं, बाद में आने वाले तो तमीज नहीं कर पाएंगे कि ये बात गुस्से में कही गई है या मजाक में कही गई है, इसलिए मुझे बाज लोगों ने रोका है कि तुम ना लिखा करो। तो जब ये बात हुजूर ने सुनी, फाओमा बे इस बाही इलाफी है, हुजूर ने अपना हाथ उठाया और अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहा, उक्तुब फवल्लजी नफसी बेयदेही मा खरज मिन्हु इल्ला हक। इब्ने उमर, लिखा करो, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस मुंह से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। मैं खुशी में बोलूं तब भी हक बोलता हूं, मैं मजा में बोलूं तो तब भी हक बोलता हूं। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। जब हुजूर गुफ्तगू करते थे तो हर सू नूर फैल जाता था, और सहाबा थे कि वो अपने दामन में वो मोती चुन लेते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ उजाले बांटता है। आज की इस नशिस्त में मैं चाहूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कुछ अहादीस आपके सामने रखूं, और कोशिश मेरी यही होगी कि मैं अपनी तरफ से कोई तशरीह ना ही करूं, वही लफ्ज जो कि फजाओं में बिखर गए और जिसके दम से उजाले फैले और जिन लफ्जों के नूर से पूरा मदीना मुनव्वर हुआ, पूरा अरब रोशन हुआ, पूरी कायनात रोशन हो गई। आज मैं चाहूंगा कि चंद अहादीस आपके सामने रखूं। अल्लाह मेरी जुबान पे हुजूर अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कलेमात की बरकत डाल दे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत है, जिसको हजरत इमाम अहमद ने और हजरत इमाम तिरमजी ने अपनी अपनी असनाद के साथ तखरीज किया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो कसरत से हुजूर की अहादीस की रिवायत करते हैं, बल्कि सहाबा की जमात में जितनी रिवायात हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने की हैं किसी और ने नहीं की हैं। हर वक्त हुजूर की सोहबत और संगत में रहते, आका करीम अलैहिस्सलाम के पास ही बैठे रहते। एक दिन हुजूर ने फरमा, या अबा हुरैरा ज़ुरनी गिब्बा ले तज़दुद हुब्बा, हर वक्त पास बैठे रहते हो, कभी उठ के भी चले जाया करो, एक दिन छोड़ के मिला करो, मोहब्बत बढ़ेगी।